हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 100% क्रिस्पी दो अलग अलग नमक पारे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और आप इसे स्टोर करके 1 से 2 महीने के लिए रख भी सकते हैं। और सबसे ख़ास बात कि इसमें मैंने थोड़ा सा भी मैदा इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए ये हेल्दी भी होने वाला है। तो आज की इस रेसिपी को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए हम नमक पारा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो नमक पारा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में डाल देंगे 2 कप गेहूं का आटा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कलौंजी, तो इसे हाथों पर क्रश करके डालें। और अब हम इसमें डालेंगे मोयन के लिए ऑयल। तो यहाँ पर मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, पर घी से ये खस्ता बनता है और ऑयल से ये क्रिस्पी बनता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑयल यूज़ किया है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोयन का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, जब आप इसे हाथों पर इस तरह से मुट्ठी बांध कर देखेंगे तो ये बन जाएगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका एक हार्ड डो तैयार करेंगे। तो एक बार में इसे सारा पानी ना डालें, इससे आटा आपका ख़राब भी हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक हार्ड डो रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने इसका हार्ड डो बनाकर रेडी कर लिया है और मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया था, उसमें से थोड़ा सा पानी बच गया है। और अब हम इस आटे को ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं और आटा सेट हो गया है। तो अब हम इसे मसल कर एक बार फिर से एक साथ कर लेंगे और उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 बराबर भागों में इसे कट कर लें। तो अब हम इसमें से 1 पीस लेंगे और इसे इस तरह से गोल करने के बाद हाथों से इसे दबा देंगे। तो अब हम बेलन से इसे अच्छे से गोल रोटी की तरह बेल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं बेलना है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसे इस तरह से बेल लिया है और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। तो अब हम एक चाकू लेंगे और इसे इस तरह से लंबे लंबे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे लंबा लंबा कट कर लिया है और दूसरे साइड से भी हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, आप चाहे तो इसे अपने पसंद की कोई भी शेप में काट सकते हैं, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है और अब हम इसे इस तरह से अलग कर लेंगे। तो अब हम चलते इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया, फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और उसके बाद हम ये नमक पारे इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो इसे बीच बीच में हम इस तरह से चलाते रहेंगे। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करें, मीडियम पे रखें, क्योंकि अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा कच्चा रह जाएगा, तो फिर आपका जो नमक पारा है वो क्रिस्पी नहीं होगा। तो यहाँ पर नमक पारा को इस तरह से मैंने चलाते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसे इस तरह से हल्का सा हिला लेंगे ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और सारे नमक पारे को हम सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा नमक पारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अगर आप मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका नमक पारा 100% क्रिस्पी बनेगा। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बर्तन और इसमें डाल देंगे 2 कप गेहूं का आटा। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक और थोड़ा सा कलौंजी, इसे हम हाथों से क्रश करके डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे मोयन के लिए ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है
आप चाहे तो यहाँ पर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ऑयल डालने से ये क्रिस्पी बनता है और घी डालने से खस्ता बनता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है। तो अब हम इसे हाथों से इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। मोइन का परफेक्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप जब इसे हाथों पर बांधेंगे तो देखेंगे ये बंध जाएगा। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त डो बना लेंगे। तो ध्यान रहे आपको इसका हार्ड डो ही लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका हार्ड डो बनाकर रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक कप पानी लिया था और थोड़ा सा पानी बच गया है। तो अब हम इस आटे को ढक कर रेस्ट पर रख देंगे 20 मिनट के लिए। तो अब हम लेंगे एक बॉल और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदा। इसे हमें अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक घोल तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने इसका एक बैटर तैयार कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं और हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट हो गया है। और एक बार हम इसे फिर से मसल लेंगे और अब हम इसे चकले के ऊपर रख कर इसे 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे। और अब हम इसमें से एक पीस लेंगे और इसे इस तरह से अच्छे से दबा कर गोल कर लेंगे और इसकी हमें एक रोटी बेलनी है। तो बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी है, मीडियम साइज़ का इसका बेलना है। और अब आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। तो अब हमने जो घोल तैयार किया था उसे इसके ऊपर लगा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। और उसके बाद हम इसे हाथों से पूरे रोटी के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। और अब हम इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे रोल कर लिया है और अब हम इसे हल्का सा दबा देंगे और उसके इसे चाकू से इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा इसे कट नहीं करना है। और उसके बाद हम एक पीस लेंगे और इसे इस तरह से दबा देंगे और उसके बाद हमें इसे बेल लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे बेल लिया है और अब आप देख सकते हैं। उसके बाद हम ये बैटर इसमें फिर से थोड़ा सा लगा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। और उसके बाद हम इसे एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे और उसके बाद वापस से इसे हम फोल्ड कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल शेप में फोल्ड हो गया है। तो हल्का हल्का हम इसे दबा देंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी के ट्रायंगल्स भी तैयार कर लेंगे। तो ये प्रोसेस करने से जब आप इसे ऑयल में फ्राई करेंगे तो इसकी सारी परतें खुल जाएगी और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे भी तैयार कर लिया। तो सेम प्रोसेस से हम बाकी के ट्रायंगल्स को भी रेडी कर लेंगे। तो एक बार आप ये डिफरेंट स्टाइल का नमक पारा जरूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगा और ये बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया और इसमें डाल दिया ऑयल। तो ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके बाद फ्लेम को मीडियम करके सारे पीसेस को इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये देखिए इसकी जो परत है वो खुलने लगती है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारा जो नमक पारा है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो इसे हम दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तो हमारा दिवाली स्पेशल नमक पारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस दिवाली आप इस नमक पारे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीका है और इसमें हमने मैदा बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, तो ये हेल्दी भी है।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले सारे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।